तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पेपर डोसा। तो ये इसका बैटर है, घोल है, और यहाँ पे है हमारी चटनी, और यहाँ पे है डोसा। आज हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं पेपर डोसा। पेपर डोसा के लिए हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, साबुदाना भी है इसमें, और जीरा है, नमक है, थोड़ी सी मिर्च है, और सूजी भी है। उसका घोल बना लो और थोड़ा सा मैदा भी डाल लो। ये आज मैंने टेढ़ा मेढ़ा सा पेपर डोसा बनाया है। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में है पेपर डोसा और है चटनी जिसमें है नारियल, मूंगफली, पुदीना, नमक। और यहाँ पे हमारे कार्तिक जी और ये नाश्ता खाते हुए जा रहे हैं ऑफिस। बाय बाय। सो यहाँ पे लगे हाथ देखो गाइस, जो मैंने ऑयल बनाया था वो ऑयल मैंने धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। सुखाने के लिए बोल रही, मतलब धूप में पकाने के लिए रखा है। आप भी ऐसे पका सकते हो। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम तवा पे रखकर गरम कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस आप चाहे तो ऐसे धूप में भी पका सकते हैं। सारी चीज़ों को मिलाकर ऐसे धूप में आपने रख देना है 20 दिन तक। मतलब अभी इतनी कड़क धूप है, 20 दिन तक आप इसको रखो। और ये देखो ऑयल बढ़िया से, देखो कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो गाइस मैंने दोनों तरीकों को आजमाया है, आप दोनों में से कोई भी आजमा सकते हैं। मम्मी लेना है क्या? नहीं लेना अंकल। सो हे गाइज, आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि मैं आपको हैवी हेयर ग्रोथ के बारे में कुछ बताऊं। सो गाइज अगर आप हैवी हेयर ग्रोथ चाहते हैं तो जो भी मैंने आपको बाकी के मेथड बताए हैं, ऑयलिंग करो और अच्छे से हेयर केयर करो, स्पा करो, कंडीशनिंग करो हेयर की। बट गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप इस हेल्दी डाइट को लेते हो तो आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि मैं इनको रोज फॉलो करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल बहुत लंबे हो, घने हो और ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाए तो आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। और आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखना। ये जो मैं आपको बता रही हूँ गाइज, इतना भी अगर आप फॉलो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारे बादाम। आपको बादाम का गुण पता ही है। हैवी हेयर ग्रोथ के लिए हम लेंगे थोड़ा सा बादाम। और यहाँ पे है हमारा मुनक्का, और यहाँ पे है पिस्ता और काजू, और यहाँ पे है अखरोट, दूध और बनानास, तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ छुहारा। ये है छुहारे। इसमें आयरन बहुत भरपूर मात्रा में होता है और ये बहुत टेस्टी भी होता है। सो गाइज ये बहुत ही हेल्दी है। ये है हमारी किशमिश। और यहाँ पे गाइज सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद कितने लोगों को गर्मी लगती है, तो यहाँ पे हम ये इसको कहते हैं कैंडी। ये शुगर कैंडी है जिसको हिंदी में मिश्री भी बोलते हैं। आप ये ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा खा सकते हैं। और अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जरूर खाना। मीठा खाने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे हम कुछ मिठाई खाते हैं तो उससे हमारा वेट भी बढ़ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। सो गाइज जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप ये शुगर कैंडी खा सकते हैं। ये देखो गाइज ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। सो गाइज यहाँ पे है हमारी ये चीजें। सो गाइज ये है हमारा टॉप सीक्रेट हेयर के लिए, टॉप बेस्ट रेमेडी। सो ये परफेक्ट डाइट है आपके हेयर के लिए। ये परफेक्ट डाइट सिर्फ हेयर के लिए ही नहीं है गाइज, बॉडी के लिए भी है। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए, जैसे आपको पता है कि हमारा अपना जिम है, तो मैं जिम भी पहले जाती थी, 4-5 साल से मैं जिम भी ज्वाइन किया हुआ था। तो गाइज मुझे हैबिट है इन सब चीज़ों को खाने की। तो अगर आपको हैबिट नहीं है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेके शुरू कर सकते हो। बट यही है राज लंबे बालों का, जो आपको कोई नहीं बताएगा। सब तो यही बताते हैं ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन गाइज मैं चाहती हूँ कि आप हेल्दी रहो। और आप में से बहुत से लोग दुखी होते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हम बहुत बीमार हैं, ये है वो है, हमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो गाइज आप लगाते तो हो लेकिन आप अच्छा खाते नहीं हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है इस डाइट को फॉलो करने की।
तो आई होप कि गाइज आप मेरी बातों को समझ सक रहे होगे और फॉलो करोगे, और फॉलो करके बताना किससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। गाइज कोई भी नहीं बताएगा आपको, सब लोग यही बताते हैं ये लगाओ वो लगाओ ये लगाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ लगाओ भी और खाओ भी। सो मैं चाहती हूँ कि आप हेल्दी रहो, मुझे भी आपकी फिक्र है। आप इतना कमेंट करते हो कि दिल करता है कि मैं मर जाऊं, मेरे चेहरे पे भी बहुत सारे पिंपल्स है और दाग है। सो गाइज मैं कोशिश करूंगी कि आपको आने वाले हर व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं, और मेरे जितने भी हेयर टिप्स हैं, स्किन केयर है, मैं सब आपको डेली व्लॉग में ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास समय इतना नहीं रहता कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं। मैं आपको डेली व्लॉग में कुछ ना कुछ आपको बताती रहूंगी, इसलिए आप मेरे डेली व्लॉग को देखा करो, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सारा दिन काम करने के बाद अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मुझे जाना है मार्केट अपनी मॉम के साथ। और देखते हैं गाइस, मुझे मार्केट से और मॉम को भी मार्केट से बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, और हम जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि गाइस यहाँ पे 7:30 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है और चीज़ें नहीं मिलती है। सो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, पूरे दिन लाइट नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत गर्मी है। सो और जो मैंने आज आपको हेयर ग्रोथ के लिए रेमेडी बताई है गाइस, उसको ट्राई करना। अच्छी डाइट लो और हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो, शैम्पू करो, ऑयलिंग करो, कंडीशनिंग करो और कंडीशनिंग मास्क लगाओ जो मैंने आपको बताया है। और कैसे नहीं आपके बाल बड़े होंगे, लंबे होंगे, काले घने होंगे और ग्रोथ कैसे नहीं होगी। सो गाइज अभी चलते हैं फिलहाल तो मार्केट, और आने वाली वीडियोस में व्लॉग में ही मैं बताऊंगी। गाइज मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं अलग अलग वीडियोज़ बना पाऊँ, और क्योंकि मुझे घर भी थोड़ा संभालना पड़ता है। तो गाइज आने वाले ब्लॉग में मैं आपको ना नेल्स के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने नेल्स की ग्रोथ के लिए पूछा है, तो मैं वो भी आने वाले ब्लॉग में ही बताऊंगी। सो ब्लॉग को देखना मत भूलना, क्योंकि अब सब कुछ ब्लॉग में ही आने वाला है। सो तब तक चलते हैं गाइज मार्केट में। जा रहे तो टाइम लगेगा, इसलिए ये पका हुआ है। ये कैसे भी आलू बुखारा, ये वाला सूट अच्छा लग रहा है। सो हाँ जी, घूमने मार्केट जा रहे हैं ना। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।